सायला पुलिस ने 2 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट सहित हुंडई कार की जब्त। सायला पुलिस की लगातार 3री बड़ी कार्यवाही। जालोर सायला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार एवं एसपी प्रभुदयाल धानिया व वृत्ताधिकारी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के तहत कार्यवाही करते हुए सायला पुलिस ने शुक्रवार को 102.5 किलोग्राम डोडा पोस्ट सहित हुंडई असेंट कार को जब्त किया है, जबकि तस्कर भागने में कामयाब हो गए। थानाधिकारी अरविंद कुमार राजपुरोहित ने बताया कि सरहद जीवाना फांटा पर सरकारी जीप में निजी वाहन द्वारा नाकाबंदी की गई थी, तो सूचना मिली कि सरहद चोचवा में एक हुंडई गाड़ी सड़क के साइड में पलटी खाई हुई है एवं कार में से डोडा पोस्ट बिखरे हुए है। उक्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर सड़क के एक साइड में कार क्षतिग्रस्त हालात में मिली, जिसको देखा तो गाड़ी में पीछे की सीट को हटाकर अंदर तिरपाल मय एवं गाड़ी में से बिखरे हुए कुल 102.5 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट भरे पाए गए। वाहन हुंडई कार नंबर इमेज 02KA0761 को जब्त किया गया। वही वाह, न चालक का कोई चुराग नहीं लगा, जिस पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मामले की तफ्तीश बागोड़ा थानाधिकारी प्रेम सिंह को सुपुर्द की। सायला से पनावड़ा टीवी के लिए सुखदेव सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।